राजस्थान के राजसमंद जिले में आने वाली कुंभलगढ़ सीट भी विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका रखती है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में राजपूत समाज का दबदबा है, इसलिए यहां से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के हीरालाल देवपुरा ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल कुछ दिनों के लिए संभाला था। जानकारी के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस यहां से अब जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार कुंभलगढ़ विधानसभा में लगभग 55,000 वोटर्स खरवड़ चताना राजपूत है, जिन्हें कृषक राजपूत के नाम से भी जाना जाता है। अन्य सामान्य राजपूत वोटर्स की संख्या 15,000 से 20,000 बताई जा रही है। इसी तरह एसटी वोटर्स की संख्या 20,000 बताई जा रही है। एससी वोटरों की संख्या लगभग 10,000 बताई जा रही है। गुर्जर वोटर्स की संख्या लगभग 28,000 तो वहीं ब्राह्मण वोटर्स की संख्या लगभग 26,000 बताई जा रही है। ओबीसी के लगभग 60,000 वोटर्स बताए जाते हैं। बता दें कुंभलगढ़ विधानसभा सीट जो कि पूर्व में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, इसे वापस पाने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से राजपूत कार्ड खेलने को तैयार है। इस सीट से कांग्रेस से प्रबल दावेदारी भीम सिंह चुंडावत, दिलीप सिंह राव, वैभव उपाध्याय, कैलाश मेवाड़ा, योगेंद्र सिंह परमार, सूरत सिंह दसाड़ा ने जताई है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी राजपूत समाज के बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है तो राजपूत समाज के 20,000 वोटर्स में कांग्रेस प्रत्याशी सेंधमारी कर सकता है, जो बीते दो चुनावों के भाजपा के बाले में खड़े नजर आए। तो वहीं भाजपा से सुरेंद्र सिंह राठौर जो कि वर्तमान में विधायक है, इसके बाद नीरज सिंह राणावत और अरविंद कुंवर भी भाजपा से टिकट के जुगाड़ में है। आपको बता दें राजसमंद संसदीय क्षेत्र सीट भी भाजपा के पास है। अभी राजसमंद से सांसद दिया कुमारी है, जिन्होंने कांग्रेस के देवकी नंदन गुर्जर को एक बड़े मार्जिन से हराया था।